सुरेंद्र बिनु सुना, अध्यक्ष मानव सेवा क्लब बरेली। आज जो प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया है कि 5 अप्रैल रविवार को रात्रि 9 बजे सब लोग इकट्ठे हो जाएं, घर के लोग, और एक दिया ऊपर छत पे या बालकनी में जरूर जलाएं, इससे भारत प्रकाश पर्व रहेगा और हम लोग जो हैं एकजुटता के लिए ये दीपक जलाएंगे और दृढ़ संकल्प लेंगे कि हम एकजुटता बनाए रखेंगे और वायरस जो फैला हुआ है उसको दूर करने का दृढ़ संकल्प है ये, और ये अध्यात्म का एक रूप है। तो हम सभी देशवासियों से ये प्रार्थना करते हैं कि इसको जरूर करें, दिया जरूर जलाएं और एक दृढ़ संकल्प लें मन में दीपक के आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निर्भय सक्सेना, वरिष्ठ पत्रकार एवं यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। मोदी जी ने आज जो अपील की है कि 5 तारीख को, 5 अप्रैल को हमें रात को 9 बजे कोई भी दीपक, मोमबत्ती, टॉर्च की लाइट जलाकर हमें संदेश देना है कि हम सब एकजुट हैं और कोरोना की इस लड़ाई में हम काफ़ी योगदान कर रहे हैं। मोदी जी का, प्रधानमंत्री मोदी जी का ये बहुत सार्थक संदेश है। इसके जरिए उन्होंने लोगों को जहां एकजुट होने का संदेशा दिया है, वहीं आप सभी जानते हैं कि मोमबत्ती या दिए की लाइट से बहुत गर्मी फैलेगी और इस गर्मी से जो टेम्परेचर बढ़ेगा उससे इस वायरस को रोकने में हम लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। इसके साथ ही जो 9 मिनट की हम लोग लाइट बंद करेंगे उससे देश भर में करोड़ों यूनिट बिजली बचेगी। आप सभी से निवेदन है कि अपने मीटर के, विद्युत मीटर के पास लगी MCV को गिराकर 9 मिनट उस दिन लाइट भी बंद रखें और दीपक, टॉर्च जो भी संभव हो उसे जलाएं। ये एक अच्छा संदेश है, अतः आपसे निवेदन है कि मोदी जी के सार्थक संदेश को देश भर फैलाएं और कोरोना जैसी महामारी को घर में रहकर ही हम उससे लड़ाई लड़ें। धन्यवाद। नमस्कार। निर्भय सक्सेना, बरेली।